Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about the two episodes of Tere Bin. काफी कुछ हो गया और मेरी एक तो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं अबाउट मुर्तसिम. पिछली बार की भी मैं वीडियो पे कमेंट्स पढ़ रही थी तो कुछ लोग, पता नहीं आप लोग मजाक में लिख रहे थे, सीरियस थे कि आप ही कहानी लिख लें, आप ही कैरेक्टर लिख लें उसका. या मैं जज्बे से देखती हूँ, दिल से देखती हूँ, दिल से एक रिव्यू कर रही हूँ, दिल से डिस्कशन कर रही हूँ. एज यू गाइस कैन सी, मैं आज किसी और ही मूड में हूँ. तो खैर, पहले तो इसलिए वो जब मैं दिल से कर रही होती हूँ तो मैं फिर बहुत गौर से देखती हूँ ड्रामे को, बहुत गौर से कैरेक्टर को देखती हूँ. और मुझे कोई कैरेक्टर्स पसंद आ जाए तो फिर पसंद आ जाते हैं. मैंने मुर्तसिम और मीरब जो है ना वो उर्दू में लिखा. आई होप मैंने सही लिखा हो. मैं ऐसे ही लिख रही थी नोट्स तो मैंने मुर्तसिम, मैं सोची थी ते से होगा या तोए से होगा, बट आई थिंक ते से होगा. मनसब का भी यही ख्याल है कि ते से होगा. सो हम मनसब की बात को लेते हुए इसको ते से लिख रहे. खैर, इधर उधर की बहुत बात होगी. लेट्स कम टू द टू सम दिल से डिस्कशन अबाउट मीरब, मुर्तसिम एंड तेरे बिन. डिटेल्ड रिव्यू आप लोग सेकेंड एपिसोड का ट्यूसडे को देख सकते हैं मेरा और शाज़िया के साथ. मैं यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स उठाऊंगी. सबसे पहला पॉइंट तो ये कि मुझे लगता है कि मुर्तसिम का कैरेक्टर, उफ, आई जस्ट लव द वे इट्स बीन रिटन. आई रियली होप कि मुर्तसिम मीरब को धोखा नहीं दे रहा है, ये उसकी कोई चाल नहीं है. क्योंकि अगर वो ये चाल चल भी रहा है ना तो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि वो चाल चलते चलते भी उससे मोहब्बत कर बैठेगा. सो मुर्तसिम साहब, आप दोनों साइड से फंसे हुए हैं. सो इट्स बेटर कि आप हमारा दिल जीतते रहिए और आप उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, उसको धोखा नहीं दे रहे हो और आपकी तमाम जज्बात जो हैं वो वाकई हों. अच्छा, तो मेरी थ्योरी ये है, अच्छा सॉरी, मैं ये कह रही थी कि मुर्तसिम का कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा हुआ है. आई मीन इतनी लेयर्स हैं. मुझे लगता है एक तो वो जो डिफेंड करता है माँ बेगम के सामने, एंड देन यू नो वो पूरा डायलॉग उसका मर्द औरत को, औरत मर्द को कंप्लीट करती है. इस पर हम बाद में आते हैं, पहले मैं बात करूँगी. आई हैव अ थ्योरी अबाउट मुर्तसिम. ये सेकंड थ्योरी है. पहले मैंने, मेरा ये ख्याल है कि मुर्तसिम का जो अपना फ्रीडम किया ना, जो उसके पास में जो कुछ भी हुआ, माँ बेगम ने जो भी किया उसको करने नहीं दिया. और वैसे भी मुर्तसिम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो खुल के कुछ कर नहीं सकता. यू नो उसको बींग द यू नो वो जानशीन ऑफ द होल थिंग, उससे सर्टन एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उनसे निकल नहीं सकता. लेकिन मीरब तो आज़ाद है और वो वैसे भी बहुत रिबेलियन मूड में. वो आती है और उसका जो दिल चाहता है वो बेफिक्र होके करती है. तो मुझे लगता है कि मुर्तसिम के अंदर जो ये ख्वाहिश है ना चीज़ें करने की, या स्टेटस को कुछ चैलेंज करने की, या फिर एक आज़ादी से कुछ करने की, वो मीरब के थ्रू कर रहा है. क्योंकि मीरब वो सब कर रही है, या वो सब चीज़ों को चैलेंज कर रही है, या वो सब कह रही है जो शायद वो कहना चाहता है, वो करना चाहता है. तो उसको थोड़ा सा हौसला मिला हुआ, इसलिए भी मुझे लगता है कि ही इज़ रियली अम्यूज्ड बाय मीरब. एंड इसलिए भी वो खुद तो कुछ अपने लिए नहीं इतना स्टैंड ले सका, लेकिन मीरब को देखकर उसे हौसला आ रहा है, इसलिए वो मीरब को सपोर्ट भी करता है, उसके साथ साथ भी होता है. ये मेरी थ्योरी है. मुझे ये लगता है कि वो फ्रीडम जो उसको नहीं मिल सका, वो चीज़ें जो वो खुद नहीं कर सका, नाउ ही इज़ लिविंग देम थ्रू मीरब. आप लोगों का क्या ख्याल है? राबिया की थ्योरी कुछ सेंस बना रही है या नहीं बना रही है? ओके, देन आई जस्ट लव द वे मुर्तसिम का कैरेक्टर ना इतना इंटेलिजेंटली लिखा हुआ है मोस्टली जगहों पे. आई डू एग्री कि वो कहीं कहीं जो उसकी एक जागीरदाराना नेचर है उस कैरेक्टर की, वो आती है. जैसे वो बजाय इसके कि मीरब को कॉलेज की तरफ या उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए बोले, वो माँ बेगम से कहता है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी करें, और यू नो इस तरह की बातें. आई एम जस्ट होपिंग उसका जर्नी होगा एंड वो इन चीज़ों से भी निकल आएगा और वो कम्प्लीटली 100% मीरब को सपोर्ट करेगा. और ये जो मेरी बात है ना कि ही इज़ लिविंग हिज ड्रीम थ्रू और हिज फ्रीडम और हिज ब्रेवरी थ्रू मीरब, इट्स बिकॉज उसके डायलॉग आप देखें. उसने पहले भी बोला था जब वो बैल्कनी पे खड़ा होता, आई थिंक पिछले हफ्ते की, कि तुम मीरब हो बहादुर अपनी हिम्मत वाली. और इस बार भी वो जो डायलॉग बोलता है कि तुम इतनी प्यारी हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मीरब हो, तुम हौसले वाली हो, तुम हिम्मत वाली हो. तो ये अगर आप डायलॉग्स पर गौर करें तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिम्मत, हौसला, जो शायद उसमें खुद इतना ज़्यादा नहीं है. वो गन्स पकड़ लेने से और एक यू नो मर्दानगी थोड़ी सी दिखाने से, ये तो नहीं है कि उसमें वाकई इतनी करेज है कि वो माँ बेगम को चैलेंज करे या वो उस सारे सिस्टम से निकल सके. सो कमिंग टू द कैरेक्टर डेवलप, कैरेक्टर लेयर्स, आई फील इतना अच्छा दिखाया है कि मुर्तसिम मीरब को समझता है. उसने मीरब को समझा है, उसको पता है कि मीरब को चाहिए कि कोई उसकी पर्सनालिटी की, उसके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करे, नॉट जस्ट कि उसकी ज़ाहरी खूबसूरती को. और उसको तो वो इतने अच्छे डायलॉग्स बोलता है. वो कहता है कि तुम हिम्मत वाली हो, हौसले वाली हो, तुम प्यारी हो, और
तुम मेरी मीरा बोल, ये थोड़ी सी ओनरशिप मुझे थोड़ा सा वो करता है। खैर आई विल टेक इट, यू नो, अगर अगर बैलेंस रिलेशनशिप हो तो मुझे शायद लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है ये जुमला कहने के लिए, लेकिन क्योंकि इतनी आइडियाज़ इधर उधर जा रहे थे तो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट व्हाट डायलॉग वी आर लिसनिंग एंड व्हाट वी आर सेइंग। तो शायद मेरी मीरा वो इस जगह थोड़ा सा मुझे 100% सही नहीं लगता, बट अदरवाइज अगर एक दूसरी सिचुएशन में लेता है तो शायद ये बहुत रोमांटिक आता, मे बी आप लोगों के लिए आया हो, मेरे लिए उस तरीके से नहीं आया। सो आई लाइक द वे मुर्तसिम्स कैरेक्टर इज रिटन, आई लाइक द सेंसिटिविटी दैट हैज़ बीन एडेड टू हिम, एंड उसके बाद आ जाते हैं हम, क्योंकि मैं अपनी थॉट प्रोसेस भूल गई हूँ। नाउ लेट्स कम टू मीरब। अगर आप मीरब का कैरेक्टर भी लें तो एक तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट जुमना जैदी, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके एक्सप्रेशन। यू नो, जब मीरब एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि मुर्तसिम ये करेगा, फिर मुर्तसिम को एक बहुत क्यूट सी बात कर देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं, शी इज़ कम्प्लीटली सरप्राइज, वो हैरान होती है उसकी। एंड आई जस्ट लव द वे यमुना जैदी इज़ गिविंग दोज एक्सप्रेशंस, कि उनके चेहरे पे हैरानी होती है, फिर वो स्लो मोशन उनकी आँखों का बंद होना और खुलना दिखाते हैं, यू नो शी वो हल्का सा अपने चेहरे को ऐसे भी करती हैं, आँखों को ऐसे भी करती हैं। आई एम रियली लाइकिंग इट। तो इट्स सटल एक्सप्रेशंस दैट शी इज़ गिविंग एंड दे आर जस्ट ऑन द पॉइंट, बिकॉज ये वो एक्सप्रेशन है जहाँ मीरब ने अपने आप को संभाल के भी रखा हुआ है, वो एकदम से जाके अपनी खुशी, अपनी हैरानगी, अपना सरप्राइज नहीं शो करती, लेकिन हल्का सा एक्सप्रेशन आ जाता है। जिस तरीके से जब मुर्तसिम उसकी तारीफ कर रहा होता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलना शुरू होते हैं, एंड आई लव द वे एंड में जब वो शीशे में अपने आप को देखती है और उसको वो सारे डायलॉग्स याद हो रहे आते हैं कि तुम एक अच्छी हमसफ़र बन सकती हो, तुम एक अच्छी हमसफ़र बनने की सारी काबिलियत है, और वो अपने आप को देख रही, बड़ा यू नो उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो दे आर रियली नाइस। सो मुझे मीरब का ये जो मुझे लगता है मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम शायद मुर्तसिम की चीज़ों को इतना इन्जॉय नहीं करते अगर मीरब के ये रिएक्शंस नहीं होते। मीरब घबरा जाती है, मुर्तसिम ने ना उसको अब हिलाया हुआ है, उसको उसकी जगह पे नहीं रहने देता, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद वो एक लाइन फेंकते हैं या एक क्यूट सी चीज़ करते हैं, मीरब परेशान हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलता है, फिर वो वापस आ जाती है। सो आई ऑल्सो फील द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ मीरब्स कैरेक्टर, जो वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डेप्थ में देखें ना, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं मीरब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती, शायद हम सब भी ये सोच रहे हैं कि मीरब मुर्तसिम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती, पर मुझे लगता है कि यार ये बहुत डीप बात है। एक लड़की है जिसको आपने उसके ख्वाब हटा के उसकी शादी कर दी है, अब अगर वो मुर्तसिम की मोहब्बत को एक्सेप्ट भी कर ले तो क्या ये मतलब नहीं होगा कि उसने अपनी जो उसकी आज़ादी छिन गई, जो उसकी मर्जी के अगेंस्ट चीज़ हुई, शी हैज़ गिवन इन। इट्स सो डिफ़िकल्ट एक्चुअली व्हेन आई थिंक अबाउट इट, कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ वी डोंट वांट टू से कि शादी बुरी चीज़ है, वी डोंट वांट हर कि वो अपने आप को मोहब्बत से डिनाई करें, लेकिन ये बात भी कि अगर वो गिव इन करती है, अगर वो मुर्तसिम की मोहब्बत को कबूल करती है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने हालात को एक्सेप्ट कर लिया, उसने सबमिट कर लिया है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है। ये फॉर मी दिस सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑन बोथ दीज लाइन्स, क्योंकि वो तमाम लड़कियाँ जिनको किसी वजह से यू नो घर में इजाज़त नहीं थी एजुकेशन की, काम करने की, या कोई भी हालात ऐसे थे जिसकी वजह से वो नहीं कर सकें, काम नहीं कर सकें, या अपनी मर्ज़ी की शादी भी नहीं कर सकें, जॉब भी नहीं कर सकें, कुछ भी कोई भी चीज़ एक नहीं कर सकें, वो इतना सिंपल भी हो सकता है कि किताब या जोड़ा अपनी मर्ज़ी का नहीं खरीद सकें, उनको कुछ और एक्सेप्ट करना पड़ा। अब वो उसको अब वो दूसरी चीज़ भी अच्छी है, शादी है, एक प्यारा जोड़ा है, या जॉब की जगह यू नो पढ़ाई शायद कंटिन्यू, या पढ़ाई की जगह जॉब करना, कुछ भी, तो वो भी अच्छी चीज़ें ही हैं, बुरी नहीं है। तो क्या हम उन्हें एक्सेप्ट कर लें एंड कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? आई होप आई एम एबल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम इतनी, टू मी मीरब्स कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ वेरी बिग डिलेमा, कि वो अगर हम सब जो चाहते हैं कि मीरब मुर्तसिम की एक बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी हो, मीरब मान जाए और मुर्तसिम उसको मना ले, लेकिन इसके अंडरलाइंग मीनिंग्स क्या हैं? इसके अंडरलाइंग मीनिंग ये है कि मीरब विल एक्सेप्ट, कि उसने सबमिट कर दिया है, उसने बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपने जो भी करके मुझे लेकर आए, फाइन आई एम ओके विद दिस गाय हु लव्स मी। सो वी आर ब्रिंगिंग दिस वुमेंस इंडिपेंडेंस डाउन टू लव एंड मैरिज, विच शुडंट बी द केस। सो आई एम गोना सी कि मीरब के कैरेक्टर की जर्नी कैसे होती है, मीरब क्या करती है, ये कहानी कैसे मोड़ लेती है। क्योंकि अगर मुर्तसिम मीरब को पढ़ाए, अगर मुर्तसिम मीरब को वो सब करने दे जो वो करना चाहती है, तो फिर भी शायद मुझे सिचुएशन बेहतर लगे। लेकिन इस वक्त ये ड्रामा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स सी कि आगे होता क्या है। नाउ
कमिंग टू द सीन्स, बहुत क्यूट सीन्स थे, बहुत क्यूट सीन्स थे। आई थिंक मीरब जो है ना वो थोड़ा थोड़ा फिसलने लगी है, स्पेशली जब वो मुर्तसिम मीरब को डिफेंड करता है माँ बेगम और हया के सामने जब सुबह नाश्ते में बैठे होते हैं, और वो कम्प्लीटली बिकॉज मीरब हैरान हो रही होती है कि मुर्तसिम उसको डिफेंड कर रहा है, लेकिन एंड में वो मुर्तसिम को दो सुना के चली जाती है बिकॉज शी डजंट वांट टू फेस द फैक्ट कि वाकई मुर्तसिम हैज़ डन समथिंग नाइस फॉर हर एंड शी शुड बी फीलिंग अ लिटिल बिट फॉर हिम एंड शी माइट बी, बट वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये मुझे मज़े की इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री लगती है। एक बात जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मैंने और शाजिया ने अपने रिव्यू में भी बोला है, वो जो मुर्तसिम ने गन्स पकड़ी हुई थी, प्लीज़ डोंट ग्लैमराइज इट, प्लीज़ डोंट मेक इट समथिंग जो लड़के और लड़कियाँ समझें कि इट्स वेरी कूल, इट्स रोमांटिक, इट शोज़ समथिंग वेरी गुड ब्रेव। नो इट्स नॉट, गन्स डेंजरस होती हैं, उसको अच्छे हीरोज़ और गुड लुकिंग हीरोज़ या एक बहुत कूल हीरोज़ और हीरो जो वीक में दो दफ़ा ट्रेंड करो उनके हाथों में मत दीजिए प्लीज़। एंड ऑल्सो अगर आप ख़ुद वो हीरो हैं तो प्लीज़ गन उठाने से पहले सोचिए। आई रियली एम रिक्वेस्टिंग टू, आप लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ इतने लोग आप ट्रेंड कर रहे हैं, एंड मैं इसमें दोनों एक्टर्स की बात करूँगी, आप लोग ट्रेंड कर रहे हैं तो पीपल आर फॉलोइंग यू, पीपल आर लविंग यू, सो वॉट यू आर सेइंग, वॉट यू आर डूइंग, how you are conducting yourself is making an impression, so there is a huge responsibility। and second चीज़, उस गन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उस गन के बगैर भी बहुत आसानी से काम हो सकता था। नाउ वो सीन उतना ही अट्रैक्टिव होता, इतना ही इंटरेस्टिंग होता। नाउ कमिंग टू द डायलॉग्स जो मुर्तसिम बोलता है मीरब को, बहुत प्यारे डायलॉग थे, मुझे एक्चुअली डर लग रहा था, आई वाज लाइक ओह ये मुर्तसिम आज ये बोला है ना कि औरत को, तुम्हें पता है औरत, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो कहता है कि मर्द की औरत क्यों है, मर्द की वजह से। ओके, सुबह से हमने इस पे ऑफिस में इतनी फ़नी बातें की, इतनी मीम्स निकाली हैं, वी जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम, बट एक्चुअली द डायलॉग होल कॉन्वर्सेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे डर लग रहा था, आज लाइक अगर मुर्तसिम ने यह बात ख़त्म कर दी तो मैं तो ये ड्रामा नहीं देखूंगी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि मुर्तसिम ने कहा नहीं, जैसे मर्द औरत को और औरत मर्द को कंप्लीट करती है, और फिर उसके बाद भी मुर्तसिम ने बहुत खूबसूरत बातें की, और मुर्तसिम ने एज़ यूजुअल हैट्रिक की, भाई छक्का भी नहीं बोलूँगी, हैट्रिक की उन्होंने इस ड्रामे में। सो हमारा दिल उन्होंने जीत लिया दोबारा और बच गए वो भी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था एंड क्वाइट सरप्राइजिंग, बिकॉज मे बी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि इतनी डीप बात मुर्तसिम बोलेंगे। आई एम जस्ट वंडरिंग, इज मुर्तसिम रियली इन लव विद हर, या ये ईगो है जो अनकॉन्शियसली मुर्तसिम को भी नहीं पता है उफ मैंने कितनी डीप बातें निकाली हैं मुर्तसिम के कैरेक्टर से रिलेटेड, क्या बात है मेरी। आई एम जस्ट गोना सी कि मेरा कोई पॉइंट तो नहीं रह गया है, एंड देन आई विल से बाय टू यू गाइज। एंड मैंने कुछ लिखा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि मैंने क्या लिखा है, तो आई थिंक मैं काफ़ी सही हूँ। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। बस मुझे एक चीज़ थोड़ी सी मुझे और अजीब सी लगी थी कि मुर्तसिम जो बुक दे रहे हैं और मुर्तसिम जो सारी बात समझाने की कोशिश करें, यू कैन से दैट इज इन अ नाइस वे ही इज़ ट्राइंग टू मेक हर रियलाइज कि तुम गलत कर रही हो, बट समहाउ मुझे ये भी लगता है कि वो क्या अज्यूम नहीं कर रहा है कि मीरब बहुत नाइव है। मीरब एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक अच्छे बैकग्राउंड से आई है, एक शहर में उसकी एक बड़े अच्छे ख़ानदान में, यू नो जिनको वैल्यूज़ का पता है, उधर वो किसी अंडर प्रिविलेज या किसी ऐसी जगह से नहीं आई जहाँ उसको तालीम नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था, तो उसको इन सब बातों का एहसास होगा, रिलेशनशिप्स का, मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हकूक का, आई एम अज्यूमिंग दैट। तो मुझे अजीब सा लगा कि वो इतना बड़ा लेक्चर उसको दे रहे हैं और मीरब ऐसे करके देख रहे हैं जैसे मीरब पहली बार कोई बात सुन रही है। सो आई वुड अंडरस्टैंड कि मीरब हैरान हो कि मुर्तसिम इतनी प्यारी बातें उससे क्यों कर रहा है। आई रियली होप सो इस बात को आगे क्लेरिफाई करें, नॉट दैट कि शी इज़ ऑल्सो लर्निंग अ लेसन, बिकॉज आई वुड एक्सपेक्ट मीरब टू नो ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल, एक छोटा सा ऐसी गपशप थी आप लोगों से तेरे बिन के बारे में। अपने कॉमेंट्स, अपने व्यूज़ कॉमेंट्स में बताइए, एंड देन आई बी रीडिंग दम। ओह लास्ट में पता नहीं मैं क्यों फंबल करने लगती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।